लेकिन आपने अगर सारी बातें सुनी सब लोगों की तो दर्द एक ही है और सबने एक ही बात रखी, एक ही तारीफ की, हम दो हमारे लोग हैं। जो हम लोग हैं वो एक तो शरीर है और एक आत्मा। शरीर और शरीर ही बोल देते हैं, शरीर के अंदर रहने वाला शरीर, आत्मा और शरीर, इसके दो कौन है? परमात्मा और ये दुनिया। तो जो शरीर है क्योंकि वो इस दुनिया में जो ये बना हुआ है, पांच तत्वों से बना है, वो इसी दुनिया से लिए गए हैं, तो इसका संबंध तो दुनिया से है। और आत्मा का जो संबंध है वो परमात्मा से। तो सबकी एक ही बात है कि आत्मा का संबंध परमात्मा से है। और जैसे दुनिया बनी तसे लेके आज तक यही बात चली। एक लाख 24,000 गवर्नमेंट, 23 अवतार, 10 गुरु, सबने इसी बात पर जोर दिया और उन्होंने ये किताबी साथ में छोड़ दी है। लेकिन इसे खुदा की मर्जी गई है या हम लोगों की चालबाजी गई है या हम लोगों की मासूमियत के लिए कि शैतान ने हमें बरगलाया कि उन किताबों के अंदर हमने तब्दीली किया। और इसी बात को रखते हुए कुरान के अंदर आता है, इस किताब का माफी मैं, क्योंकि मोहम्मद साहब को जब ये बात पता चली कि ये अब तक एक राजपुरी कुरान कहता है कि है मोहम्मद, एक जमाने में सब लोग एक ही तरीके के थे, फिर हमने वहां पर एक फैसले की किताब दे दी जो उनके बीच में फैसला करती थी और उन लोगों ने उस किताब को बदल डाला, बदलने की कुछ लालच से अपना मकसद हल करने के लिए, किसी और ने नहीं बदला जिन्हें वो दी गई। तो अगर बात बदल गई, अगर किताब बदल गई तो बात कैसे रहेगी? फिर तो मोहम्मद साहब ने कहा कि ये किताब भी बदल जाएगी। तो आगे फिर क्या होगा? तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये किताब क्यामत तक नहीं बदलने वाली, इसमें रद्द बदल नहीं होगा। ठीक है, रद्द बदल एक खुदा है। मैं सबसे सवाल करता हूँ, यहाँ पे कोई एक आदमी मुझे ये हाथ उठाए कि वो एक के अलावा दो खुदा मानता, एक राजगुरु के अलावा किसी दूसरे राजगुरु को कोई मानता है? कोई ऐसा अगर एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, तो दीन लोग कैसे हो सकते हैं? तो दीन कितने होंगे? दीन भी तो नहीं होगा। आज आपको अपनी जमात बैठी है, आपको चौथा जो सम्मेलन हुआ था, शांति सम्मेलन नहीं था, सबको एक इकट्ठा करने की बात की जो महाराज मनोज सिंह जी ने लाल किले के ऊपर दिया था। मैं कह रहा हूँ सारे लोग जितने भी हैं, चाहे वो ईसाई मत का हो, चाहे वो अहमदिया मत का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैनी हो, वो उसे जरूर पढ़े। और पूरी दुनिया का हल उसी के अंदर, उसमें भी कहा गया किसी तो दीन में रहना तो दीन में इस्लाम, बाकी कोई नहीं रहना। तो ये भारतवार बनाया गया जिसकी बिना पे आज सब यहाँ लोग बैठे हुए हैं, महाराज शेर सिंह, महाराज पूरन सिंह जी, जिन्होंने 24 ग्रंथ लिखवाए है, आज वो दुनिया में ऐलान करके कहते हैं कि दीन रहना तो दीन इस्लाम रहना। तो फिर तो उस हिसाब से आप सबको मुसलमान बन जाना चाहिए, सब ईसाइयों को मुसलमान बन जाना चाहिए। हाँ, बनना होगा, लेकिन कैसे बनना होगा? आज जैसे
आज की लेटेस्ट पावर कहेगी उस तरीके से, क्योंकि दीन इस्लाम किसी की जागीर नहीं है। दीन इस्लाम की हिस्ट्री जानना पड़ेगा, दीन इस्लाम है कब से। दीन इस्लाम तब से है जब से ये दुनिया बनी। आदम को आप पहला मुसलमान, पहला इस्लाम का फॉलोवर कहेंगे। तो तब से लेके दीन इस्लाम आ रहा है। 25वें पारे के अंदर अल्लाह पाक कहते हैं कि ए मोहम्मद, हम आपको कोई नया दीन लेके नहीं भेज रहे, आपको वही दीन दिया जा रहा है जो हमने नूह को दिया था, जो मूसा को दिया था, जो ईसा को दिया था, वही आपको भी दिया जा रहा है। तो फिर ये कौन सा दीन इस्लाम है। तो इस्लाम के अगर हम लफ्जी मायने जाए, उसकी गहराई में जाए, तो इस्लाम के लफ्जी मायने इताअत और फरमा बरदारी के, कि हमने उस खुदा की इज्जत करनी है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है, और जो भी टाइम टू टाइम उसके ऑर्डर्स आएंगे, उसके अहकाम आएंगे, उसको हम खुशी खुशी मानेंगे। ये सिंपल सी बात है, ये है दीन इस्लाम। तो कुरान से पूछा, जब कुरान में मुसलमान एंट्री करता, मुसलमान बनने की शर्त है, मुसलमान बनने के लिए उससे पहले तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, फिर एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं या नहीं। अगर किसी को हिंदू बनना है तो उसे अगर गीता का फॉलोअर है तो पहले गीता पढ़नी पड़ेगी, फिर उसे एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि भाई मैं इसे मानता हूं या नहीं। अगर एक सिख है तो उसे भी गुरु ग्रंथ साहब पहले पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बात करेगी कि वो सिख होगा कि नहीं। आज देखिए झगड़ा ऐसा चला कि हम सारे इकट्ठे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जैनी हो, हर किसी ने ठेका लिया है कि खुदा तक मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन क्या पूरी दुनिया जैनी हो गई क्या, पूरी दुनिया सिख हो गई क्या, पूरी दुनिया मुसलमान हो गई क्या, पूरी दुनिया ईसाई हो गई। तो कहीं ना कहीं तो कमी है। तो क्या कमी की तरफ हमने गौर किया। अगर आज हम उस कमी की तरफ गौर करेंगे तो आज जैसे हम बैठे हैं उसके लिए सबसे निर्णायक बनाई। अगर एक साल पहले आप लोग बीच में था जब टाइम खत्म हुआ था तो एक बात आई थी का हम आप सब्सिडी का ले लो, सबसे लेटेस्ट धर्म कौन सा है, सिक्के में आपको ये गलत से धर्म सुना नहीं। लेकिन इन सिक्कों की बात देखिए, इन्होंने क्या किया, इनकी तब्दीली देखिए कि अरदास हम तो जानते हैं, आगे भाई अकाल की कभी चलाओ बंद, खुदा का हुक्म हुआ तभी भी बंद चला, इसी इंसान ने उसे नहीं मारा था। और ने सोचा था कि लो मैं हिंदू मुसलमान को एक कर दू, लेकिन ऊपर वाले का दो को एक कर दिया है, मैं दो को तीन कर दूं। तो सिख बना तो कहा आगे वाले अकाल की कभी चलाओ बंद, सब सिखने को हुक्म है गुरु नानक ग्रंथ। तो जो गुरु ग्रंथ है जाकर हिंदी शुद्ध है, अभी भी क्या कहते हैं राज करेगा खालसा, आगे रहेगा बोल कि जो खालिस खुदा का हो जाएगा, तू मेरा या तेरा हो जाएगा, बीच में मेरा कोई नहीं होगा, आगे सिर्फ वो रहेगा बाकी कोई नहीं रहेगा। ये आएगा बात होगी नहीं होगी, ना लाइन रहेगी, ना बच्चा सवाल करेगा, ना तुम्हें नाम देना पड़ेगा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का वो जितनी बढ़िया बात कर रही, अपनी किताब खुद तैयार कर रहे हैं और कहते हैं हेलो मेरा मकबरा मत बनाना, मेरे फूल भी मत चुपना, अगर किसी ने ऐसा किया उसका चलेगा। और देखो एक माथा टेकना, उसके अलावा अगर किसी और को टेका
तो बर्दाश्त नहीं होगी, वो नरक को मिल जाएगा। चुन्नी से किसने लगाया था निशान? 19 सबको जगाने के लिए, अगर ना जागे तो 70 लाख पठान अजर महमूद का मैंने कैसे सुनी, वो यहां से वहां तैयार कर रहा है, वो सारे बकरे ऑर्डर लेके यहीं को मारा है और सारे इस जगह पे ग्रंथ कहता है मारा पिटूंगा। छोटा नहीं बड़ा, यानी कि टुंडा पिपल देगा भैया, एक टुंडा पिपल उसी पर रहेगा। हमने पूछा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, कहने का मैं यहां पंजाब में आया, लोगों को ग्रंथ में लिखवा दिया, सब जगह बात कराई, इन्होंने तो गोली नहीं किया, मुझे पहचान नहीं, मेरी पहली बात ही नहीं। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी दसम ग्रंथ में कह के गए, अगर गूगल पे आप तो दसम ग्रंथ है 2400 पेज नंबर 1196 कि जब नेक अलग आ जाएगा, जब खुदा की वो पावर काम करेगी तो वो जो उसका नाम लेगा तो गेट खोलेंगे, ना किसी रसूल का नाम लेने से गेट खुलेगा, ना किसी राम का, ना किसी कृष्ण का, ऊपर वाला गेट नहीं खुलना। तो जब नहीं खुलना तो हम सारे चाहे जितनी कोशिश करते रहे नहीं पा रहे। अभी अनिल का कर दिया, मैं एक किताब सुबह दिखा रहा था आप लोगों को, एक साल पहले स्पीकिंग थी जो प्राइम मिनिस्टर है, आज की जो खुदा की पावर है, जब तक हम उसे नहीं पहचानेंगे, उससे नहीं मिलेंगे, तो तब तक बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। मैं पिछले साल आया मैंने तो वो कहते हैं कि हम गए उनकी कब्र पे, और कहते हैं मिर्जे का मिर्जा, लेकिन कितनी बढ़िया प्यारी बात मिलती है, मिर्जे वाला खुदा को और मिर्जा वाला मिर्जा गुलाम अहमद को, कहना उसके अंदर जब 14 साल के थे तब उन्होंने अपनी जोर जो है डाली, उसने खुदा के तो ये इनके पावर है ना, और कहां जाने गई उनके मजार से, उनकी कब्र एक मीनार मस्जिद बना के ऐसे थोड़ा ना बन गई, कह रहे एक ही 2 मीनार में भी रहने बिचोरे कुछ नहीं, बस एक ही रहना है। क्योंकि ग्रंथ में लिखा है सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब डालूंगा, किसी में नहीं रहूंगा, सबकी एक भी बजाऊंगा, सब में जगह में सारा चलाने, तो फिर क्या करेगा? तो मोहम्मद साहब ने कहा आप ही कुछ तो करोगे, कोई तो घर बनाओ लोगों के आ जाएगा, कह रहे ठीक है अगर आप कहते हो तो मैं होगा, मेरे भगत होंगे, अब मैं भगत द्वार बनाऊंगा, तो आपका इस घर का क्या नाम है? तो नया सिस्टम लगा कि नहीं लगा, तो भगत द्वार। तो ये चीज थी, हमें समझ में नहीं आती बात, बहुत जगह से सुनते थे, तो एक किताब में कहीं सुनने को मिली संत मने से, अगर आप लोग थोड़ा इजाजत दें तो इस सिस्टम के बारे में थोड़ा बताओ, 10 मिनट लगेंगे 15 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर ये सिस्टम आप लोगों को नहीं मैं बताऊंगा तो ये ग्रंथ आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो मैं भी बचपन से उस खुदा की क्लास में था कि आज का उसका लेटेस्ट है, क्योंकि मेरे अंदर भी तमन्ना थी कि मेरी आत्मा का भी संबंध परमात्मा से, तो मैंने भी रामायण भी पढ़ी, गीता भी पढ़ी, कुरान भी पढ़े हैं, और एक मुसलमान भी हूँ और मोहम्मद से मेरा बड़ा गहरा लिंक है, वाकई इस कुरान ने मुझे आपके सिस्टम की तरफ भेजा, क्योंकि कुरान में पहले ही बड़ी प्यारी चीज थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिराता मुस्तकीम सिराट नदी नाम का एक संस्कृत में भी लिखी है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत्स्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एक ही बात है, इसमें खुदा की तारीफ की गई है और अपने आप को इया का नाम तो उसके सुपुर्द किया गया और उसे तरजीह दी गई कि तू मुझे सीधा रास्ता बता दे,
जिस रास्ते में चलने से तू खुश होता है और मुझे उस लोगों के रास्ते पे चला जो उससे चले और तूने उन्हें इनाम दिया और उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिनके तेरा गजब किया गया और ना ही उन लोगों के रास्ते पे जो चले थे लेकिन बीच में गुमराह हो तो गुमराह के रास्ते पे भी मत चला। इसीलिए पूरा कुरान इन तीन मुद्दों के ऊपर है। तो यहां से फिर कुरान स्टार्ट होता है। तो हमने पैगंबर ने आपको खुदा की तारीफ में उसके सुपुर्द किया, उससे कर्जी ली कि सीधा रास्ता बताओ, रास्ते की फरियाद किससे की? खुदा से। तो अब ये किताब है अलिफ लाम मीम ज़ालिक किताबु ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तकीन। ये कुरान का पहला पारा पहली लाइन अलिफ लाम मीम के बारे में कोई नहीं जानता लेकिन आता है कि ये किताब बेशक ऐसी है जो राह बतलाने वाली है लेकिन उन लोगों को जो खुदा से डरने वाले हैं। हर किसी को राह नहीं बतलाया जाए कंडीशन। तो फिर वो खुदा से डरने वाले लोग कैसे हैं? तो कहा उनके अंदर पांच बातें जरूरी है। पहले वो बिन देखे मुझसे डरते हैं, मुझे अपना रब मानते हो, देखा देखने का सौदा ना हो, पहली कंडीशन। दूसरी वो मेरी नमाज पढ़ते हो, मेरी पूजा करते हो, मुझसे बात करते हो, अपना खुशी अपना राग मुझसे बढ़ाते हो, यानी कि मेरी नमाज कायम करते हैं। तीसरे जो मैंने उन्हें माल दिया है दौलत दी है उसमें से वो मुझे खुश करने के लिए खर्च करते हो मेरी मोहब्बत के लिए। और चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हर मुसलमान हर इंसान के लिए जरूरी है कि जो वो लोग ऐसे हैं जो ईमान रखते हैं यकीन रखते हैं इस किताब पर भी और इससे पहले वाली किताबों पर भी और इस बात पर कि जब मरने के बाद दोबारा खुदा के सामने हाजिर होंगे तो वहां पे पेशी होगी क्या अच्छा क्या क्या बुरा इन आरोप पर भी यकीन करते हैं। तो ये लोग हैं पूरे कामयाब। तो आगे कुरान कहता है जगह जब आदम को जन्नत से बाहर किया जा रहा तो उस वक्त आदम ने दुआ मांगी मेरे ऊपर रहम कर और शैतान ने मुझे बरगलाया था और एक मगर तूने माफ नहीं किया तो मैं कहीं ना रह जाऊंगा। तो खुदा ने माफ किया और एक नसीहत दी कि तुम सारे के सारे इस जमीन पे जाओ एक वक्त तक के लिए और उस न्यारे मुआयन तक मेरा किसी किस्म का अगर कोई एहकाम आए। आप नोट कीजिए ये सारी चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कुरान क्या कह रहा है। अगर मेरा किसी किस्म का कोई एहकाम आए तो जो उसे मिला रहेगा तो उसे तो कोई ना गम होगा ना कोई खौफ होगा, वो तैश में, तैश किसी में रखी। लेकिन अगर कोई उसे झूठा बताएगा उसका इनकार करेगा, अरे कुछ नहीं जैसा मन ग्रंथ, तो मैंने उसके लिए धारणा तैयार कर रखी है। पहले पारे का चौथा तो हमने कहा कि बातें खुदा का एहकाम अगर आज कोई आया हो और हमने उसे नहीं मांगा हो तो हम तो किसी भी काम के लिए रहते। तो इसलिए अगर किसी ने थोड़ी भी खुदा की बात की तो हमने उसकी तहकीकात की और अगर तहकीकात में उसे नहीं मिला तो उसे मांगा। तो ऐसे ही हमें एक बात आई कि संत मनुष्य से स्टार्ट होती है एक बात, वो भी हमारे तरह था और उसकी सच्चाई क्या है मुझे कोई नहीं पता। तो सच्चाई की तलाश में था तो किसी ने बताया जिस जगह इतना सच्चाई की तलाश में है तो बरकी के अंदर एक बाबा मेहताब सिंह है तो वहां जा वो बड़ा पहुंचा बाबा जी वो वहां से रिकॉर्ड हो तो वो बेचारा कहां से टूम से आगे और बरकी है तो मैं अभी जाता हूँ घर में बाद में जाना और वो वहां गए तो रस्ते में सोचते जा रहे हैं कि मैं इस आदमी का टेस्ट कैसे करूं ये मेरे लिए सही है। आपने कुछ सवाल बनाए उन्होंने, अगर मेरा जवाब मिला तो ठीक नहीं मिला तो मेरा कोई मतलब नहीं। तो तीन सवाल बनाए उन्होंने कि मैं वहां जाऊं तो दरवाजे में मेरा खड़ा हुआ इंतजार करता हूं और दूसरा ये कि मेरा नाम लेके मुझे पुकारो। अगर ये दो काम कर दिए तो मैं समझ लूंगा कि ये ठीक है और मुझे वो अपने साथ रखें कुछ बताया।
तो जब वो गए तो आप सारे लोग जानते हैं कि वो नहा धो के कंघा कर रहे थे और कहा मणि सिंह ज्यादा थके हुए नहीं। तो आए और एक अपने किसी साथी को कहा बाहर से मेहमान आए तुम थोड़ा ये लंगर खाना में चखाओ थोड़ा ये खैर भाई करो। तो वो जो रस्ते में जाते हुए कह रहा है कि कहां से आया तू वहां से क्यों आया कि भाई सच्चाई का पता करने के लिए थोड़े दिन महात्मा जी के साथ में रहना है। कहने इनके साथ लोगे ओ भैया ये बाबा बड़ा खतरनाक है ये अपने पास नहीं रखता किसी को ये खाना वाना खिलाता है दो चार दिन घर में रहता है अपने घर वाले। कहने फिर कैसे रुकूंगा कहने कोई काम दे। तो इन्होंने आके उनसे कहा कि बाबा जी मतलब खास काम हूँ लेकिन दूर से आया हूँ काम बिना नहीं रह सकता मुझे कोई काम मिले। तो आप लोग जानते क्या काम मिला था दो तीन किलोमीटर दूर पे वो कहीं जानवरों को चराना था और दूध वगैरह निकालने का काम